मिश्री साहब, एक फर्ज इसके कि आप मुझसे कुछ सवाल करें जी। मैं एक तजवीज तो ये पेश करना चाहता हूं कि ये जो आप इनविटेशन कार्ड भेजते हैं इसको दस्ती पंखे पर छपवाया कीजिए। इनके ससुर को आप नहाते देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये नहाए नहीं जिंदगी। अरे इन्हों ये दुख है कि किसी को तो नहाता वेख लें जी, आप नहीं नहाते। ये चाय की प्यारी, इसके दरो दीवार, इसका कुंडा, ये मुफीद नहीं है, इसका खला मुफीद, इसका खला काम दे रहा है। जो आपकी नजरों में कोई अजीब नहीं है कि भी खला क्या हो, लेकिन मैं इस किनारे के ऊपर चाय रख के नहीं पी सकता, है ना? हाँ। तो खला की हमने कभी अजीब को महसूस नहीं किया। और ये जो सीन है मैं जो दिखाऊंगा, इन्होंने एक छोटा सा सीन दिखाया है, जरा जरा दिखाइएगा वो सीन एक दफा, जरा देखेंगे कितनी दफा उस कैमरामैन ने अपनी बदमाश, हमारी नहीं उस कैमरामैन की बदमाश नजरें हैं जो सिर्फ लेके आते हैं। जिस बात को कोई इमाम जायज करार दे दे, आप उस पर अमल करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन उसको ताना न दें कि ये नाजायज है। क्रिकेट या चुपकली को पहले वार में मारे 100 ने किया, वार चूका 50 ने किया, वो भी चूका 25 ने किया, वो भी चूका, तो फिर वो सिलसिला एक तक आता है। और गुसल तो ऐसे चुपकली ही मारते हैं जी, चुपकलियां ढूंढ ढूंढ के मारे तो नेकियां तो हाँ। फोटान की कैफियत समझे बिना हजरत गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का ये असरार कैसे समझ में आ जाएगा कि मुवहिद जब मकाम तौहीद पर पहुंचता है तो न मुवहिद रहता है न तौहीद, न वाहिद न बिसियात, न आबिद न माबूद, न हस्ती न नेस्ती, न सिफत न मौसूफ, न जाहिर न बातिन, न मंजिल न मकाम, न कुफ्र न इस्लाम, न काफिर न मुसलमान। ओ भाई जान, एट सब एटॉमिक लेवल मैटर डज नॉट एग्जिस्ट विद सर्टेनिटी बट रादर शोज टेंडेंसीज टू एग्जिस्ट, दिस इज व्हाई पार्टिकल्स कैन बी वेव्स एट द सेम टाइम। मैं हर वक्त काम में बिजी रहता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी बात ही नहीं होती। बात तो तब होगी ना जब आप मेरी तरफ देखेंगे।